उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने बुधवार को सर्किट हाउस के सभागार में महिला जन सुनवाई और समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए तथा महिलाएं अपनी शिकायत आयोग के व्हाट्सएप नंबर 6306511708 पर 10 से 5 बजे के मध्य कर सकती हैं, जिससे आयोग द्वारा उनकी शिकायतों को संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने आशा ज्योति केंद्र महिला समाख्या जिला अस्पताल में महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली तो महिला समाख्या की ओर से बताया गया कि जुलाई से सितंबर माह के बीच नारी अदालत में कुल 36 मुद्दे रजिस्टर कराए गए, जिसमें 18 मामलों का सुलझा दिया गया और 18 प्रक्रिया में है। सुलझे मामलों का 3 माह तक फॉलोअप भी किया जाता है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने बताया। माध्यम से कोई भी महिला अपने घर बैठे जो उससे बात करके सहायता प्राप्त कर सकती है, तो इसके लिए ये हमारे यहाँ बीआईडी मेडिकल कॉलेज में आश्रय केंद्र बनाया गया है। घर को हिंसा के दौरान किसी प्रकार की चोट लग गई है या किसी प्रकार का क्षति हुआ शारीरिक रूप से, तो उनको इलाज के लिए यहाँ पर दूसरा सुविधा उपलब्ध कराना और उनको महिला पुलिस सपोर्टिंग चौकी की स्थापना की गई है। अगर जैसे कोई महिला पीड़ित है और उसको पुलिस सहायता या लीगल सहायता चाहिए तो उसको संबंधित थाने पर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आती है, उनकी एप्लीकेशन के आधार पे शिकायत वहाँ ऑनलाइन दर्ज होती है और संबंधित सुविधा उपलब्ध कराएँ, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारी महिलाओं के ऊपर सारी समस्याओं के ऊपर है और हमारी जो सरकार है, हमारी जो आयोग की अध्यक्ष हैं, वो महिलाओं पे विशेष ध्यान देने के लिए आशा ज्योति केंद्र है और सारी संस्थाएं महिलाओं की बनाई गई है। हमारी सारी महिलाओं की समस्याएं वहीं पे आती हैं, वहीं पे सुलझा दी जाती हैं। तो अभी हमने देखा, बहुत अच्छा भी लगा कि यहाँ पे महिलाओं की समस्या कितने अच्छे तरीके से सारी सुलझा दी जाती है। बाकी जो थोड़ी बहुत है वो हमारी अध्यक्ष महोदय हैं, वो अगली सुनवाई में हम लोग उसको पूरा करेंगे। अभी तो फिलहाल नहीं आई है, अभी तो ये लोग आशा ज्योति केंद्र है, ये लोग अपना कर लेती हैं। मेरे आयोग की तरफ से जो मुझे निर्देश मिला है मैं उसी पे काम करती हूँ और जो भी आगे होगा मैं उसको लेके आऊँगी।